मुझे ये कह रहे थे कि मोहल्ले वाले कि प्राइम मिनिस्टर तुम बन जाओगे, मैं बन जाऊंगा क्या? अच्छा। वो उसके कहने से या चंद आदमी उसे कहने से प्राइम मिनिस्टर थोड़ा बन जाएगा। अच्छा, ये प्रियंका गांधी जैसे एकदम आ गई अचानक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो हर इलेक्शन में आती है। और ये जो छक्का मारा ना, छक्का कौन सा, 10% वाला, ये छक्का है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रैली कर एक नई लड़ाई का आगाज कर दिया, यानी कि 2019 का आगाज कर दिया गया। और अब सवाल ये उठ गया कि रैली में तो भीड़ इकट्ठी हो गई, आ भी गए, लोग भी चले गए और फिर वहाँ से रैली भी ख़त्म हो गई। अब बीजेपी के महकमे में थोड़ा सा हड़कंप में मच गया, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई, कहाँ से आ गई। अब ये सवाल था कि 2014 में उत्तर प्रदेश में सीटें निकली थी, क्या वो अब की बार 2019 में निकल पाएंगी या नहीं, या विजय रथ यहीं अटक जाएगा। यही सवाल लेकर हम पहुँचे जनता के बीच, तो जनता ने बता दिया किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। आइए देखते हैं। 2014 में मोदी लहर थी, 73 सीटें थी। हाँ जी। कांग्रेस को 2, सपा को 5 और बसपा 0। अच्छा। अब की बार गठबंधन हो गया। हाँ। सपा और बसपा में। हाँ। तो अब की बार मोदी जी को कितनी सीटें? भाई जी, ज्यादा नहीं, ओनली 21 बस। उसका कारण? अच्छा, कारण क्या है? मोदी जी के हम तो अपने उसके वोटर थे, मोदी जी के हम बीजेपी के वोटर हैं। अच्छा। उनको तो दिया मोदी जी ने पेन। अच्छा। आयुष्मान भारत किसके लिए? वो बीजेपी के वोटरों के लिए नहीं है। अच्छा। नंबर एक, बीजेपी का वोट क्यों कटा? जीएसटी लगाया, जीएसटी को आज तक मोदी जी ने इम्प्लीमेंट नहीं कराया। अगर कराया तो मैं लिख के बता रहा हूँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ। 15 महीने का अब तक ये पिछला हुआ दे रहे हैं लोगों को, टाइम दे रहे, क्यों दे रहे 15 दिन का टाइम, 15 महीने का टाइम किस बात पर दे रहे हैं? एक आदमी डेली रिटर्न भर रहा है, उस पर तो पेनल्टी 50-50, 100-100 खुद मैं अपने जेब से दे रहा हूँ, और एक आदमी 15 महीने उसका इनाम दे रहे हैं। ये चीज़ मोदी, और मोदी जी, तीसरी बात यह है कि जो भी आपने नोटबंदी की उसका रिजल्ट क्या निकला? 0.99% रिजर्व बैंक का कहना है कि नोट बैंक में पहुँचे। और कितने, कौन से इतने बंदों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की? मोदी जी को इसलिए 21 वोट सीट, इसलिए वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि मोदी जी ने अपने ही बीजेपी के वोटरों को पेन दिया और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं बस अपने, क्योंकि ध्यान भी दिया, अपने वोटरों को पेन दिया। और हम आज भी बीजेपी वाले हैं, ये नहीं है कि हम आज कांग्रेस के पास जाएंगे, क्लियरली हम बीजेपी के हैं, पर हम नोटा पे वोट डालेंगे। अच्छा, नोटा को दिया जाएगा? नोटा को दिया जाएगा, जैसे एमपी में हुआ। एमपी में बीजेपी हारी नहीं थी, राजस्थान में हारी नहीं थी, वही एक वर्ग था जिनको इन्होंने पेन दिया, तो उन्होंने नोटा, वो नोटा नोट आया। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो लायक तो कोई इस देश में है नहीं फिलहाल, है नहीं कोई भी, कोई नहीं। राहुल गांधी, मायावती, सिर्फ मोदी है प्रधानमंत्री पद का, और कोई नहीं है। अच्छा, ये तो जी मोदी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री बना दोगे? नोटों वालों को प्रधानमंत्री बना दो। आ जाओ, आ जाओ, अरे आओ तो। नोटों वालों को प्रधानमंत्री बना दोगे? ऐसा क्यों है, किसने वोट दिया जाएगा ये तो बताओगे? बीजेपी को, वो तो और कोई दिखाई नहीं देता, हमें तो बीजेपी ही दिखाई देती है, मोदी ही दिखाई देता है। उसके कारनामे अच्छे करे हुए हैं, उसने सारा कर्जा भी उतार दिया, कितनी बढ़िया सड़कें बन रही है, कितने बढ़िया पुल बन रहे हैं, 6 लेन 4 लेन सब जगह ही बन रहे हैं। तो वो तो मोदी को ही वोट देंगे, और कोई दिखा दो किसी में कोई काबिलियत नज़र आती हो, पप्पू में आ रही है या मायावती या अखिलेश में आ रही है, तो दिखा दो। राहुल गांधी तो कह रहे हैं किसानों के लिए, वो कहते रहे, मैं कहता हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर में क्या बन जाऊँगा। मुझे ये कह रहे थे कि मोहल्ले वाले कि प्राइम मिनिस्टर तुम बन जाओगे, मैं बन जाऊंगा क्या? वो उसके कहने से या चंद आदमी उसे कहने से प्राइम मिनिस्टर थोड़ा बन जाएगा। अच्छा, तो एक सवाल ये है, जो पिछली बार 73 सीटें मिली थी, अब की बार कितनी सीटें मिलेंगी? लेकिन कम हो जाएंगी, वो कहीं दूसरी जगह से ले आएंगे, वेस्ट बंगाल से ले आएंगे, तमिलनाडु से ले आएंगे। अच्छा, भरपाई पूरी करेंगे, इससे प्लस ही आएंगी। ममता बनर्जी क्यों खफाया इससे? इसलिए ही खफाया है कि वहाँ उसके सेंध लग रही है, तमिलनाडु में डीएम के उनके साथ, एडीएम के तो इसके साथ ही आएगा ना, भरपाई करेगा ना। और ये टीडीपी और अब पहले तो कट्ठे ऐसे थे, अब दोनों कट्ठे हो गए हैं। अच्छा। क्यों कट्ठे हो गए हैं? तो वहाँ भी तो बीजेपी की सेंध लगानी है, तो और क्या आया, तो बाकी आनी तो बीजेपी ही है, कहीं इधर से कम आगे तो उधर से बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी जरूर, वो जरूर बढ़ेंगी। किसी को भी दबी जवान से पूछ लो,
कि भाव जी बनेगा कोई, लेकिन बीजेपी को वोट बीजेपी को ही देंगे सब, यही तभी जवान से कह रहा है। हाँ जी, आपस में क्या भिड़ंती कर रहे थे, हमें भी बता दो। वोट दे देंगे उस टाइम, देखेंगे क्या पोजीशन है, जिस टाइम पोजीशन आएगी उस टाइम देखेंगे, अभी देखेंगे, अब जब टाइम आएगा तब देखेंगे क्या क्या मुद्दे उठते हैं, क्या होते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, मोदी जी की लहर खत्म हुई या चली? नहीं, अभी तो चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चल रही है, नहीं अभी तो चल रही है। देखो जी, ऐसा है मोदी जी, हाँ वोट तो मोदी जी भी देंगे, लेकिन मोदी जी के जो कुछ काम करने वाले आदमी है ना, वो सही नहीं है। सही है, कौन नहीं सही है, जो इनके काम योजना चला रहे सही तरीके से नहीं पहुंच पाती किसी के पास। हमारे को किसानों के सी टू इंटू योजना के अंतर्गत साधन दिए गए थे 80% छूट पे, हमें वो साधन ले लिए, छूट अब तक नहीं मिली, हम चक्कर काटते फिर रहे हैं कोर्ट कचहरी के। अच्छा, हाँ तो सीटें जो 73 थी अब की बार है या खत्म हो गई? ये फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। ये दो पहलवान कट्टे के दो तो जब गुड़न लग जाए चून के भी बहुत बुरे हो भाई। अच्छा, हाँ चलो, दो पहलवान है आगे। अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा बसपा इसका गठबंधन जो है यू असर देगा। अच्छा, वो तो नहीं होने का, बिल्कुल ही सुपड़ा साफ कर ना, ये आधे पे आ जाएंगे भाई, आधे पे आ जाएंगे, हाँ बहुमत मिल जाएगा फिर। हाँ देखो को क्या है, वो जो नहीं कहा होगा तो जो नहीं किस्मत में लिख रखे आगे। हाँ, 73 से फालतू मिलेंगी सीटें, और पूरे इंडिया में इससे भी और ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। बंगाल भी हमारा ही रहेगा, बंगाल भी हमारा रहेगा। हाँ जी, ममता बनर्जी को अब की बार नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, और नुकसान नहीं भारी नुकसान होगा। अच्छा, भारी नुकसान। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल ये है जी, अगर जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या होगा? नहीं, अभी बनेंगे नहीं ना, वो बनेंगे नहीं, अभी नहीं बनेंगे। कारण क्या है उनका? कारण कुछ भी नहीं है, ना काबिलियत है और ना कोई उनके पास क्षमता है और ना पावर है। ना पावर ना क्षमता। अच्छा, ये प्रियंका गांधी जैसे एकदम आ गई अचानक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो हर इलेक्शन में आती है। पर कह रहे कि मसीहा बन गया। ना ना, मसीहा कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं। वो तो घर के मेंबर है सारे, सब आएंगे ही ना। मैं अगर इलेक्शन में खड़ा होंगे तो मेरे घर के सब मेंबर आएंगे, मेरे बच्चे भी लड़ेंगे, आएंगे, कन्वेंसिंग करेंगे, मेरे पिताजी भी करेंगे, माताजी भी करेंगी, भाई भी करेगा, बहन भी करेगी, बहन अगर कहीं चंडीगढ़ रहती है वो भी आके यहाँ करेगी। अच्छा, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो ये परिवारवाद हो रहा है? ये तो परिवारवाद है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनके परिवार के एक प्रियंका गांधी नहीं, सब तक सब आते हैं वहाँ से। अच्छा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुमत अब की बार भी बीजेपी को रहेगा, पहले से ज्यादा रहेगा, और जो प्रदेशों में बीजेपी को सीटें नहीं मिली थी उसमें सीटें भी मिलेंगी, अपनी उपस्थिति वहाँ भी दिखाएंगे, बंगाल वगैरह में भी बहुत अच्छी दिखाएंगे। अच्छा, तो मोदी जी ने कुछ किया विकास विकास ही नहीं? मोदी जी ने पूर्ण विकास किया, जो किसी ने नहीं किया उसने किया, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, सब के लिए किया। और ये जो छक्का मारा ना, छक्का कौन सा? 10% वाला, ये छक्का है। अच्छा, हाँ, ये बाउंड्री के पड़ली तरफ चला गया गेंद, इसलिए इसका लाभ जो है वो आशातीत होगा, थोड़ा नहीं आशातीत। अच्छा, हाँ जी। तो यानी कि जो आपका कहना है वो 73 वाला थोड़ा सा बहुमत 50 पे आ जाएगा, नीचे आएगा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ऐसा अनुमान है, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है पहले वाला ही जो है प्रतिशत रहे। अच्छा, लहर जो 2014 में थी, क्या आपकी बार है? उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा? जी हाँ। तूफान तो नहीं है? पहले उत्तर भारत में थी, अब दक्षिण भारत में भी है। अच्छा, और बंगाल में भी है, और पूरब में भी है, वो पूरब के पहाड़ों में। अच्छा, तो ममता बनर्जी का जो घमंड था उस पे थोड़ा वो चूर चूर हो गया, चूर 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 चूर। एक और सवाल ये उठ रहा जी, राहुल गांधी अगर जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या होगा देश का? राहुल गांधी बनने के नहीं सोचे क्यों हम? अच्छा, कहीं किसी खाने में नहीं है वो, किसी खाने में? वो जो है ना, एक टीवी में आया करे ना जिस वक्त, वो तस्वीर साफ नहीं दिखाई देती, उसे क्या कहें, इंटरप्रेटेड कहते हैं ना, तो वो इंटरप्रेटेड व्यक्ति है, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं। हाँ, वो तो एक अय्याश राजकुमार है, अय्याश राजकुमार, हर महीने यूरोप जाता है अय्याशी करने के लिए, उसको तो एक पंक्ति जवानी याद नहीं रहती, वो करेगा क्या देश के लिए? जो व्यक्ति बिना लिखी भी पढ़ के बोल नहीं सकता दो पंक्तियाँ भी, वो क्या, उसके अंदर क्या योग्यता है उसके अंदर? और मोदी को खड़ा कर दो घंटे बुलवा लो, बिना देखे ही, नीचे भी नहीं देखता अगला क्या लिखा हुआ, बोलो जाएगा। संसद में भी हुआ तो था ऐसा ही। हाँ। अच्छा, एक उन्होंने कहा कि जो ये महागठबंधन है, महाघोटाला है, उस पर क्या कहेंगे? तो वो तो निश्चित है, सच्चाई है, वो तो सच्चाई है, सारी सच्चाई है, वो ना मानने तो इसका तो उसका निदान तो अदालतें करेंगी।
अगर कोई व्यक्ति किसी बात को नहीं मानता तो अदालत बनवाती है उसे, अदालतें सारी बनवा देंगे। अभी अभी तक तो भूमिका बनी है इनके चीथड़े खोलने की, अब कार्यान्वित होगा जब मोदी जी आ जाएंगे ना। अब ये सारे लाइन में खड़े करके इन सारी पारदर्शिता से इनको बताया जाएगा कि देखिए ये तुम्हारे पाप है जी, और ये तुम्हारी सजा है। अभी तो ट्रेलर चल रहा जी, क्या लगता है जो अंकल जी जो कह दिया 100% नहीं, नहीं, आप वोट तो आप दोगे ही? हाँ, वोट तो पक्की बात है। नहीं, मोदी जी वोट देंगे जी, मोदी को। अच्छा, जो 73 सीटें थी अपना दल को मिला के 2 सीटें आई थी, तो अब की बार क्या होने वाला है? बस 1-2 सीटें माइनस में होगी, बस गठबंधन से इतना सर। हाँ, बजा देंगे। कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही खत्म बहुमत हो जाए? हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। ना ना, अच्छा मोदी जी अच्छे लगे या कुछ काम उनके बुरे भी लगे? नहीं, को हमें एक भी काम उनका बुरा नहीं लगा, कोई बुरा नहीं, कोई बुरा काम नहीं। अच्छा, तो देख लिया आपने प्रियंका गांधी की रैली के बाद जनता का कितना सा मूड बदला और कितनी किसको सीटें दे दी। अब आप भी जाइए, सीटें दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरा ऑन कर दीजिए।